मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है। सीएए सहित कई मुद्दों पर अल्पसंख्यकों को डराया गया। कांग्रेस को चुनाव आते ही बाबरी और दादरी याद आता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, यही तो बदलाव हो रहा है। विपक्ष के अन्य नेता भी अब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सीएम की जनदर्शन यात्रा पर कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए मिश्रा ने कहा कि हमारे सीएम जनता को भगवान मानते हैं, इसलिए दर्शन करने उनके पास जाते हैं। कमलनाथ तो बंगले पर, कभी भोपाल में तो कभी दिल्ली में, वे कभी कभी जनता को दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सिर्फ डराने की राजनीति करती है। इससे अच्छे ज्यादा और दिन क्या चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले वैष्णो देवी की यात्रा करें, केजरीवाल जी गणेश चतुर्थी जी के गणेश जी विराजमान करें, ममता बनर्जी जी दुर्गा जी का मंत्र पढ़ें, अखिलेश यादव जी कृष्ण मंदिर बनवाएं और मायावती जी के मंत्र पर स्वस्ति वाचन हो, ये बदलाव नहीं तो और क्या है। हमारा मुख्यमंत्री तो जनदर्शन ही करेगा, जनता के दर्शन करेगा, वो जैकलीन के दर्शन करते थे। अब ये दो बातें अंतर की हैं भाई, देखो समझो। वो दर्शन देने आते हैं कमलनाथ जी, जैसे बड़वानी में दर्शन देने आए, 10 मिनट मंच पे गए, दर्शन दिए और चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वो प्रारंभ से एक ही बात कहते थे कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। ये आज नहीं कहा उनने, पहले दिन से, वो जब से मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते थे और आज भी वो जनता को भगवान मानते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। ये सोचें दिल्ली का बंगला, भोपाल का बंगला, भोपाल का बंगला, दिल्ली का बंगला, दिल्ली में बैठक, भोपाल में बैठक, भोपाल में बैठक, कभी गए जनता के बीच में? जब जाते हैं तब दर्शन देने जाते हैं। लेकिन इन्हें भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया। इनको चुनाव आते हैं तो कभी दादरी आ जाती है, कभी बाबरी आ जाती है। चुनाव खत्म होते ही दादरी भी खत्म और बाबरी भी खत्म। अब देश का अल्पसंख्यक बहुत जल्दी इनको समझने वाला है कि कब तक डरा डरा के भाजपा का नाम ले लेके खुद वोट ले लोगे। और जब खुद सरकार में आते हैं, अब 15 महीने हुए कांग्रेस सरकार में रही, बताए ना आके अल्पसंख्यकों के बीच में, हमारा क्यों डर दिखा रहे हो? तुम बताओ कि 15 महीने में क्या किया, जिनके वोटों से तुम्हारी सरकार बनी थी उनके लिए क्या किया, बता नहीं सकते। हाय, अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।